तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के गढ़ा कोटा ब्लॉक के बारे में। ये ब्लॉक करीब 450 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, करीब 1,18,000 की यहाँ पे जनसंख्या है। तो अब बात करते हैं गढ़ा कोटा ब्लॉक के 10 सबसे बड़े गाँव के बारे में। 10वें नंबर पर आता है पिपरिया दिगर्रा, जहाँ करीब 2,851 लोग रहते हैं। ये गढ़ा कोटा से करीब 7 किलोमीटर दूर है और ये सुनार नदी के बिल्कुल तट में एकदम किनारे में बसा हुआ है। तो 9वें नंबर पे आता है मड़िया अग्रसेन, जहाँ करीब 4,100 लोग रहते हैं। ये गढ़ा कोटा से करीब 8 किलोमीटर दूर है और इस गांव का जो सबसे नज़दीकी नदी है वो सुनार नदी है। तो 8वें नंबर पे आता है रोन, जहाँ करीब 4,123 लोग रहते हैं। ये गढ़ा कोटा से करीब 8 किलोमीटर दूर है और ये बिल्कुल बीच में है। एक तरफ आप जाओगे, मेन रोड में है, एक तरफ आप जाओगे तो सीधा आपको गढ़ा कोटा जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो आपका दमोह निकालेगा सीधा। तो 7वें नंबर पे आता है परसिया, जहाँ करीब 4,139 लोग रहते हैं। ये गढ़ा कोटा से करीब 7 किलोमीटर दूर है। बचलौन, कुमेरिया, बरखेरा और गौतम इसके नज़दीकी गाँव हैं। तो 6वें नंबर पर आता है कुमराई, जहाँ करीब 4,142 लोग रहते हैं। ये गढ़ा कोटा से करीब 9 किलोमीटर दूर है और इसके सामने में ही रोन गांव है और एक बहुत बड़ा तालाब है, बड़ा तालाब रोन बोलते हैं उसको, काफ़ी बड़ा तालाब है। तो 5वें नंबर पे आता है हरदी, जहां करीब 4,528 लोग रहते हैं। ये गढ़ा कोटा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। जूना, छपरा, हर्रा और सहुवन इसके नज़दीकी गाँव हैं। तो 4थे नंबर पर आता है उमरा, जहाँ करीब 4,613 लोग रहते हैं। ये गढ़ा कोटा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। पहरेद, चौका और दरैया इसके नज़दीकी गांव हैं। तो 3रे नंबर पे आता है छुल्ला, जहां करीब 4,626 लोग रहते हैं। ये गढ़ा कोटा से करीब 35 किलोमीटर दूर है। झगरी, देवपुरा, गंगापुर और विजयपुरा इसके नज़दीकी गांव हैं। तो 2रे नंबर पे आता है तड़ा, जहां करीब 4,682 लोग रहते हैं। ये गढ़ा कोटा से करीब 15 किलोमीटर दूर है। ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास ही है, वहीं पे आपका रेलवे स्टेशन है। तो पहले नंबर पे आता है बलेह, जहाँ करीब 6,717 लोग रहते हैं। ये गढ़ा कोटा से करीब 20 किलोमीटर दूर है और इसके आसपास में बहुत दूर दूर तक घने जंगल हैं, सब तरफ नहीं, उसके गांव के पीछे साइड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और याद से मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो चलिए, पे वीडियो को ख़त्म करते हैं।